देखिए ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है, एक एक देशवासी दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येन जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा, प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है? आपको लगता है न्याय प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी कि वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्दी बाहर है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येन जैन जी भी बाहर आएंगे। तो ये संजय सिंह को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे बड़ी राहत है, और बड़ी राहत के तौर पर ये कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली में चुनाव भी है और अब उम्मीद ये भी है कि राजनीतिक जीत के तौर पर भी आम आदमी पार्टी से रख रही है। संजय सिंह ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला किया ये कहते हुए कि 17 महीनों का हिसाब कौन देगा जो जेल की सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया को रहना पड़ा है। राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत की गई कार्रवाई जो कि शुरू से आम आदमी पार्टी का स्टैंड है उसी पर संजय सिंह अपना बयान दे रहे थे।